नमस्कार, न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। शिमला में इस वक्त जो है कंगना रनौत समर्थक में जो है काफी लोग व सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं रनौत के समर्थन में और ये प्रदर्शन कर रहे हैं और डीसी ऑफिस तक ये यहाँ से प्रदर्शन करते हुए जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन जो है कंगना रनौत के समर्थन में ये देंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ पर लगाया रनौत के समर्थन में देखिए। मैं कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है और पूरे भारतवर्ष की बेटी है। शिवसेना है तो और अभी सुशांत राजपूत मर्डर केस और जो बॉलीवुड में एक ड्रग्स नेक्सस है बॉम्बे में फैला हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो वहाँ की शिवसेना है, पहले तो शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने एक बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कंगना रनौत के लिए किया और उन्हें एक हरामखोर का नाम दिया, जिसका हिमाचल प्रदेश की जो बहनें हैं ये उसकी कड़ी भर्त्सना करता है। और पिछले दिन जो उनका 48 करोड़ की लागत से जो कंगना रनौत ने अपनी खून पसीने की कमाई से अपना एक आशियाना माया नगरी में बनाया था, बिना किसी गॉडफादर के अपना एक नाम कमाया था, शिव सैनिकों ने उनके घर में जिस तरह से BMC द्वारा बुलडोजर चलवाए हैं, आज हिमाचल प्रदेश की हर एक बहन पूरे प्रदेश भर में अपने घरों से निकली है और कंगना रनौत के खिलाफ जो ये अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। आप जैसे कि यहाँ देख सकती हैं, यहाँ कोने कोने से बहनें आई हुई हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती हैं, पर आम महिलाएं हैं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी बेटी है, हमारी बहन है और हिमाचल प्रदेश की अगर किसी बेटी के साथ पार्टी कहीं जाती का घेराव करेगी और आज ये एक सिंबॉलिक धरना है और आप देख सकते हैं कि महिलाओं की आवाज शिव सैनिकों तक जरूर पहुंचेगी और हम शिव सैनिकों को जो सोकॉल्ड शेरों की पार्टी है वो शायद बाल ठाकरे जी के टाइम पे होती होगी, पर ये गीदड़ों की पार्टी है, भड़वों की पार्टी है और आज हिमाचल प्रदेश उनको सौगात के रूप में चूड़ियां भेज रहा है ताकि वो इन चूड़ियों को पहने और अपनी असली एक चेतावनी है महाराष्ट्र सरकार को, एक चेतावनी है कि वो अपने इस अन्याय से बाज आए वरना ये जो महिला शक्ति है वो महाराष्ट्र पहुंचने में भी देर नहीं करेंगी। धन्यवाद जी। आपको पता है महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस सरकार और शिवसेना के गठबंधन से है, वैसे तो कांग्रेस सरकार विधानसभा का घेराव करती है, आपको कुछ दिनों पहले मिली होगी, कोरोना के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स देखती होगी, पर हिमाचल प्रदेश की बेटी
कांग्रेस का नेता उसमें बयान देकर नहीं आया है, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का कि शिवसेना के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, तो हिमाचल प्रदेश की बेटी की सुरक्षा किसका किसकी जिम्मेवारी है भी वहां बॉम्बे सरकार में बैठे हैं और रनौत आपके प्रदेश से संबंध रखती है, आपकी सरकार भी महाराष्ट्र में है, तो हमारी बेटी को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मैं एक मिनट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो चलो शाबाश, गुड इवनिंग पार्टी। Bye-bye.